तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। राइस केक काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त जापान में टाइम हुआ 11:30 और आज है 31st दिसंबर। आधे घंटे के बाद नया साल चढ़ने वाला है। मैंने सोचा कि आपने फायरवर्क्स देखे होंगे पूरी दुनिया में, बड़े बड़े आपने देखा होगा कि किस तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं नए साल को, लेकिन जापान के मोहल्ले में किस तरह छोटे छोटे पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो मेरे मोहल्ले का श्राइन है वहाँ पे मैं आपको आज लेके चलूंगा, वहाँ पे देखेंगे किस तरह की रस्म ये अदा करते हैं, नए साल को किस तरह मनाते हैं ये, वो मोमेंट मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो मेरा दोस्त है शोमा सान, मेरा जैपनीज़ दोस्त, मुझे लेने आ रहा है, पिक करने आ रहा है। सर्दी आज बहुत ज़्यादा है रात को, तो मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ। तो ये देखें कितनी आग लगाई हुई है, कहते हैं जगह जगह पे इसी तरह आग लगाते हैं। मोया से मोया तो इस टाइम पे दिसंबर 31st पे आज तक मैं बाहर नहीं निकला और मेरे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतनी आग लगाई जा रही। तो ये इन्होंने टेंट लगाया हुआ है और यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया हुआ है नया साल बनाने के लिए। पिछले दो कोड़ी तो का हो कोड़ी हो रहे खरा हो रहे हो रहे そういうものを1年に1遍12月の最後か1月の初めにやる。ये क्या बनाया जा रहा है? थोड़ी बात दही होया इतने दिन इसका? ओमोची देस। हाँ। ओमोची। ओमोची। ओ कोशिश हो। हाँ। आते दे। ओ 12 बजे नाट तरा। हाँ। तो ये कोयले लगा के और इसके ऊपर ओमोची बना रहे जिसे राइस राइस केक कहते हैं। राइस केक एक उधर राइस केक कितने होने से हो सो राइस केक बनाया जा रहा है। इसे जयपुर में ओमोची कहते हैं, बहुत ही नरम मजे का होता है। आप इनका बंदोबस्त देखें, इन्होंने ये चूल्हा भी लगाया हुआ है टेंट के अंदर और ब्लू शीट लगा के सर्दी से बचने का पूरा बंदोबस्त करके रात को यहाँ पे ये सूप बनाया जा रहा है और ये शराब है। तो मोहल्ले के लोगों के लिए इन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी लगा के लाइटिंग करके सारा। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो लोग नज़र आएंगे वो ज़्यादा उम्र के लोग नज़र आएंगे, वो अपने कल्चर को इसी तरह बरकरार रखते हैं, अपने कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। बाकी 2 मिनट रह गए हैं ऐसे लग रहा है कि बर्फ पड़ी आपके सर के ऊपर। तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए आज के करीब। खादो मत खादो मत खजारु तमे देखो जिंजा, ये श्राइन है और लाइट अप हुआ है आज। और मोहल्ले में जगह जगह पे इस तरह के श्राइन बहुत सारे बनाते हैं जापान में, तो उसमें से ये एक श्राइन है। और यहाँ पे हर श्राइन में, जापान में बहुत सारे श्राइन है, वहाँ पे इस तरह आग लगाई जा रही है, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इस मोहल्ले के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 2 1 आकाबाशा में तो लेमास। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, 2023 हो गया है शुरू और आज मैं मना रहा हूँ अपने मोहल्ले के लोगों के साथ नए साल को। ये है तरीका जापान में नए साल को मनाने का। बहुत बहुत मुबारक हो हमारा नया साल, अल्लाह करे कि बहुत ही अच्छा गुजरे। तो देखिए जैसे ही नया साल शुरू है लोगों ने उस तरफ रुख किया है श्राइन की तरफ और वहाँ पर जा के देखें अपने खुदा के आगे हाथ जोड़ के तो दुआएं कर रही, तो सब लोग उसमें जाना शुरू हो गए। तो ये खाते हैं साल के शुरू में। अच्छा आंको देसे होते हैं, ये मीठा वाला होता है आंको जिसे कहते हैं। तो ये इसमें कोई मसला नहीं, बीन्स होते हैं और राइस राइस केक।
はい、おめでとうございます。おいしい。本当に美味しい。おいしいだね。いつにサルディア。उसमें गर्मा गर्मी सूप मेरा इससे ज़्यादा और चाहिए, बहुत ही मज़े का। और ये बीन्स है देखें आज की कोई सुनामा नोम नो कोई वो राइस केक तो बहुत ही मज़े का था, इसको इसी तरह पीना है। उसी अमाय बहुत मीठा है लेकिन बहुत मज़े का। तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी वीडियो आप जापान की देखेंगे इंशाल्लाह मेरे चैनल पे। आगे भी देखते रहें मेरा चैनल। और आज के लिए वो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।